वेलकम एवरीवन फॉर द लास्ट सम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सम्स है। इसके दो सम्स है, ठीक है, दोनों मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे पता है यू पीपल आर सो इंटेलिजेंट। ओके, सो अभी ये जो भी क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अभी बता दीजिए सिंपल भाषा में कि जब कभी भी कोई भी इक्वेशन का जो रूट्स है अगर वो रियल एंड इक्वल है, मतलब डेल्टा का वैल्यू कितना, ज़ीरो, राइट है। ठीक है, जब कभी भी डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, ज़ीरो होता है, तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, बराबर। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या करना है, ये सब भी हमको सॉल्व करके ये के का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, बराबर है। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले तो क्या करो, ये कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें मुझे ए का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, बी का वैल्यू क्या मिला, के, एंड सी का जो वैल्यू मिला ये मिला 12, बराबर है। ठीक है, तो हमको तो एक चीज़ दिया है कि जो भी इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, ठीक है, ये क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डेल्टा का वैल्यू निकाल लेता हूँ। देयरफॉर जो भी डेल्टा का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर है। ठीक है, तो जो बी स्क्वायर बी का जो वैल्यू दिया है इधर क्या दिया है, के, तो के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 4 3 12 होता है, और 12 12 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर, बराबर है डेल्टा। लेकिन ये तो आपने क्या निकाल लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लिया, बट हमको इक्वेशन में, मेन क्वेश्चन में ही क्या बोला है, जो भी इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। देयरफॉर अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बराबर है। ठीक है, ये कहाँ से है, आप बोल सकते हो फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो भी फ्रॉम गिवन कंडीशन, बराबर है, या फिर ऐसे भी मेंशन कर सकते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो और लिख देना बाद में गिवन, ठीक है, जो रीज़न आपको अच्छा लगे। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, लेट्स राइट इट एज के स्क्वायर, और ये 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, बराबर, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ए प्लस बी लिखूँगा एक बार, और एक बार लिखूँगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये के प्लस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, और के माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देयरफॉर के का वैल्यू इधर ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस 12, और के इज इक्वल्स टू 12, मतलब ये मुझे जो के का वैल्यू मिला ये कितने वैल्यूज मिले, 2 मिले। ठीक है, और बहुत सिंपल थे, क्या करना था मुझे कुछ नहीं करना था इसमें, सबसे पहले किसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना था, उसको इक्वेट करना था किससे, ज़ीरो से, क्योंकि हमारे मेन क्वेश्चन में गिवन था, बराबर। उसके बाद ये 144 को मैंने क्या किया, 12 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बराबर। नाउ लेट्स गो ऑन द सेकेंड सम। सेकेंड सम में क्या बोला है, जो भी सेकेंड सम है ये सबसे पहले तो देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर होता है, ठीक है, मैक्सिमम वेरिएबल का पावर, ठीक है, लिख देता हूँ इधर, मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है और इधर एक्स दिख रहा है, मतलब मैं इसको क्या करूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, तो ये क्या हो गया के एक्स स्क्वायर, अब ये के एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अभी ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ देखो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी तीनों चीज़ आ गया, मतलब अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी इसको क्या करें, इसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कंपेयर कर दिया, फिर मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल गया, के आ गया, ठीक है, बी का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, माइनस 2k, और सी का जो वैल्यू मिला ये मिला 6, बराबर है। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी मुझे क्या करना है,
डिस्क्रिमिनेंट का या फिर जो भी डेल्टा है उसका वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, टू के माइनस टू के है, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय के मल्टीप्लाई बाय सिक्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब फोर के स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर सिक्स ट्वेंटी फोर के, बराबर, ये दो चीज़ मिला। अच्छा, अगर मैं इधर से क्या कॉमन ले लूँ, जैसे अभी देखो, अभी ये इधर ये इसको फाइनली लिख देते हैं, ठीक है, जो डेल्टा का जो वैल्यू आया ये क्या आया मेरा, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के, ठीक है। अभी क्या करना था, अभी हमको क्वेश्चन में दिया है ना, क्या क्वेश्चन में दिया है, डेल्टा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्यों, क्योंकि जो भी रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो अभी क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं फोर से, ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय फोर, अगर फोर से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस सिक्स के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, ये माइनस सिक्स एक्स सिक्स के है, उसको इज इक्वल्स टू के वो साइड ले लिया के स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया, प्लस सिक्स के हो गया, एक के और ये हट गया, मीन्स जो के का वैल्यू आ गया ये क्या आ गया आपका सिक्स, राइट। क्या किया, हर जगह देयरफॉर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, किधर भी मिस आउट मत करना। अच्छा, अभी क्या, कैसे सॉल्व किया इसको, इसको कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी सी का वैल्यू निकाला, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला, और सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़ीरो, तो ये जो वैल्यू है ये किसको इक्वल होगा, ज़ीरो, फोर से डिवाइड किया एंड रेस्ट चीज़ उधर भेज दिया, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। सो ये था पूरा 2.5 का, जो भी जैसे हमने सॉल्व किया ठीक वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है, और इसका भी मैं बोलता हूँ कि इसको एक अच्छा सा नोट्स बना लो इसके ऊपर, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।